तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुश होंगे। बैकग्राउंड से आप सबको पता चल ही गया होगा, आई मीन शॉपिंग मॉल और मेंस सेक्शन दिखाई दे रहा होगा। क्यों है मैं अभी बताती हूँ आप सबको। इसका आज बर्थडे है, इसके लिए हम दोनों सुबह सुबह कितना बजे ये शोरूम में पैंटलून के अंदर कोई भी नहीं है, मेंस सेक्शन में यही है और यहाँ पर स्टाफ है शॉपिंग कर रहे हैं। चोर जैसे ही लग रहा है सच अभी। कोविड को भी चला गया, फिर भी ये कॉम मास्क पहन के बैठा हुआ है। तो आज इसका जन्मदिन है, जन्मदिन। मेरे सब सेकेंड वाला दीदी जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया गया सीज नो मोर, तो उनका बेटा है। तो हम लोग का फैमिली का फर्स्ट, मतलब पापा का सिबलिंग्स में से फर्स्ट सिबलिंग्स, जितना भी हम लोग का सिबलिंग है उसमें से सब फर्स्ट चाइल्ड ये है और सबसे बदमाश यही है, यही है। और जितना भी इसका भाई बहन है सबको बदमाश इसी करने लगी, यही है। अभी पता नहीं उठा रहे क्या क्या उठा रहे, उठा रहे। तुम साइज देके उठाना, ठीक है? तो आज के लिए बेयर कर लेगा, नॉट एवरी डे बर्थडे है बोल के। पता नहीं हो गया, बंद करो। हम लोगों को तो कोई भी ऐसे गिफ्ट नहीं किया, तुम बाद में नौकरी करने से हमको भी गिफ्ट करो। हाँ, ये रिकॉर्ड है क्या क्या, हमको भी ऐसे फ्री में ले जाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ भी देख के बोलो। हाँ मोसी, प्रॉमिस बोलो, प्रॉमिस। चलो क्या लेगा हल्के। तो ये है मेरा एक नंबर बदमाश वाला नेफ्यू, सुबह सुबह चोर जैसे मेरा रूम में आया था, चोर जैसे मास्क भी पहन के बैठा हुआ है। क्या कर रहे दादा, मारेगा भी। तो टुडे इज हिज बर्थडे, 29th नवंबर। तो शॉपिंग के लिए क्या है पैंटलून, ये हमको भगा रहा है अभी, जान पूछ के हमको पता है ये चीज़। सुबह सुबह आए, नाउ ही इज अ ग्रोन अप मैन, अभी बॉय नहीं है दादा, अभी बॉय नहीं है, मैन है, मैन। ये पैंटलून में है, आज का दिन से भी इसको छूटे अपना मर्जी से जो भी लोग बोल दिए, बाकी समय तो नहीं होगा ऐसे। और साथ में ये हम है ना, बाल को हम नहीं बनाए अभी तक, इसको करने के बाद हम भी जाएगा स्पा में, स्पा करेगा। नुम चिपकेगा उसमें, नुम है नहीं, नुम चिपकेगा उसमें। देखो तुम एक ही बार में ऐसे घूम घूम के मत आओ ना, एक एक देख के जाओ, तो तुम जो अच्छा होगा वो भी स्कीप हो जाएगा, नहीं तो ये कलेक्शन तो इतना ज़्यादा है। देखो मैंस कलेक्शन पैंटलून में, तो माने को क्या बोल के निकला है, बोला घर से बाल ये बाल काटने के लिए बोल के निकला है स्कूटी से, लेकिन पहुंच गया मेरा रूम में, सुबह सुबह आके नॉक कर रहा है चोर जैसे। उठाए कुछ साइज देख के उठाओ ना दादा, फिर बाद में तुमको वो नहीं होगा। साइज को देखो, साइज को देख के उठाना, क्योंकि स्मॉल एंड मीडियम तुमको होगा नहीं, बेटर है कि तुम लार्ज या फिर एक्सेल लेके करो। तुम अभी तक मार्बल का पहनेगा क्या? इसका पैंट है लूज, उसके वजह से शॉपिंग बैग नहीं बुक पा रहा, हमको बुक नहीं दी गई। तो हम मतलब शॉपिंग भी करा दे रहे, साथ में हमको कूली भी बना दिया इसका कैरियर सामान बुकने के लिए।
Yeah? Mobile ko isa ko Mobile ko. Juta yung mobile bito eh. Put pa. Juta kita rin diya bulat juta. Chalo. Mera bisir sir dala tira sir dala. Duyan. Kaya mo jo. Black and white print wala. Dekho size ko dekho. ये सुंदर है वो ब्लैक वाला भी दिखाइए दुकान जल्दी दुकान में से क्या यहाँ देख रहे हम एक एक पेन के दिखाओ दादा हाँ तो कैसे पता चलेगा पीछे मुड़ो कम है ये आओ ये तो वाइट है तुम तो बोला है तुम कैसे साफ रखेगा आगे मुड़ो वाह पूरा कोरियन लग रहा है चलो अभी नेक्स्ट सेकेंड नंबर वाह क्यों इधर सामने आओ क्यों अच्छा नहीं है अच्छा नहीं लगा है चलो तब तो दूसरा लेकिन ठीक ही लग रहा है ऐसे कैमरा में तो ऐसे मतलब नेके टाइम में तुमको कैसा हो गया ज्यादा हीरो ग्रीन ही कर लीजिए चेंज करो जल्दी नेक्स्ट ये थर्ड ये तो मजा नहीं है येलो येलो डर्टी फेलो तुमको अच्छा लगा है तुमको अच्छा लग रहा है इधर आओ अलग सा वो लग रहा है चलो तुमको ये ठीक लगा तो रखो सेपरेट अभी दूसरा फटाफट पहनो ना तुम इतना टाइम क्यों लगा रहा है नहीं हमको पहन के दिखाओ बाप रे बाप खुद से बोल रहा है ट्रायल करे हमको दिखाओ यू वॉन्ट बी टेकिंग एवरीथिंग ना वो एवरीवन को तो नहीं लेने वाला है तो पहन के दिखाओ जल्दी हमको पहन के दिखाओ नहीं होगा टी शर्ट्स वगैरह को दिखाओ जो तुम लिया है क्या क्या करना पड़ रहा है पता नहीं बड़ा हो कि हम लोग को देखेगा कि नहीं हमको कुछ देगा कि नहीं लेकिन आज प्रॉमिस ले लिया कि जब वो बड़ा हुआ नौकरी करेगा अपना मौसी को भी याद करेगा याद करना है आई मीन चलो ना दादा दिखाओ ना मुझे बोरिंग लग रहा है बाहर बीट बीट के यहाँ लेके आओ लॉन्ग पेंट ठीक है तुम सब लेगा बोलने से जूता कैंसिल हाँ चलो तब शॉपिंग हो गया अभी कितना हजार का चुना लगेगा हमको हमको टेंशन लग रहा है अलग सा दादा तुम बाद में जब कमाने लगे हमको तुम ज्यादा दे इसका डबल में देना पड़ेगा क्या बोले और एक बार क्या है कितना देगा ट्रिपल ना उस समय को क्योंकि ट्रिपल ही होगा उस समय को ज्यादा नहीं होगा तब समय को अरे तुम बोल दिया रे यहाँ पे ट्रिपल तो अभी इसने प्रॉमिस करते हैं बाद में जब कमाने लगे हमको भी देगा और ट्रिपल में देगा ना दादा तो हो गया इसका बर्थडे शॉपिंग मेरा तरफ से आई पता नहीं मेरा चुना लग गया जाओ उधर अभी दो अभी उधर बैग बिलिंग करवाना था दे दो चाबी निकालो हाँ करी अभी हम लोग बिलिंग कर रहे हैं और ये पीछे फोटो खींच रहे हैं और ये कैमरा को काउंटर में रखा है हम लोग ने दादा क्या आओ इसका बर्थडे है इसका बर्थडे जैसे सामने में बच्चे दिखाई नहीं रहे लम्बा हम एक बार गिर ना थोड़ा सा इसके साथ लंबा हो गया तुम क्यों लेकिन टकला के क्या टोपी पहनते रहते ना गर्म में भी दुखी है कितना 8000 कुछ कर कम करने लगा है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए ये अभी
नहीं तो मेरा हो जाएगा, अभी माया लग गया, हो जाएगा। हाँ तो अभी कितना बिलिंग होगा पता नहीं, मैंने कम करने लगा है दो सामान। चन से जो टूटे कोई सपना इसके वजह से इसने तो 8,000 का ले रहा था, लेकिन मैंने कम करा दिया 3,000, नहीं 3,000 भी नहीं 2,000 समथिंग, उसके बाद लेने दे हो गया। अभी 3-4 साल तक शकल मत दिखाना मुझे, 3-4 साल तक। क्या हो गया शॉपिंग? जा रहा है, जा रहा है बच्चा, जा रहा है धीरे से। शॉपिंग वॉपिंग जो था हो गया, उसके बाद निकुम चला गया है। एंड मैंने जैसे पहले आप सबको बताया कि हमारा जितना भी अपना सिबलिंग्स में से फर्स्ट बच्चा वही है, मतलब सिबलिंग्स का तो सबसे बड़ा नेफ्यू है, नेफ्यू और नीस में सबसे बड़ा नेफ्यू। तो अभी शॉपिंग करके वो चला गया, मेरे तरफ से छोटा सा गिफ्ट दे दिया, पेट्रोल भी भरा दिया। तो उसको हम बोला था कि केक का भी हम ही दे देगा, मतलब पैसा जो हम ही पे कर दे। तो बोला है नहीं, उसका जो माँ है वो पे करे, ऐसा बोला है। और अभी वो हॉस्टल चला जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही है, एलसी कि अगर कुछ ऐसा होता है मतलब ऐड करने लायक तो मैं ऐड करूँगी। आज के लिए तो बस यही था, मेरा लिए सरप्राइज था कि सुबह सुबह मेरा रूम में आकर नॉक टॉक 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 मार रहा है। यूजुअली मेरा रूम में तो कोई आता ही नहीं है, वो भी सवेरे के समय में। देखा है तो मेरा नेफ्यू दादा, हम लोग उसे दादा बोलते हैं, तो उसका नाम तो दादा ही बोलते हैं। तो छोटा से देखा है, आई विश कि वो लाइफ में बहुत अच्छा इंसान बने और सबसे इम्पोर्टेंट खुश रहे, हेल्दी रहे, जिंदगी भर तक। वही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी उसके लिए। तभी वो तो चला गया और मैं भी अपनी मंजिल को जाऊँगी, मैं भी ऑफिस निकलूँगी अभी यहाँ से। अभी तो हूँ यहाँ पेट्रोल पंप में, क्योंकि गाड़ी पार्क करके वहीं पैंटलून में गया था, तभी यहाँ से ऑफिस चलती हूँ। चलिए तो सीधे बाद में मिलते हैं आप सबको। पहले जब यहाँ विजिट नहीं किया था तब सब मेरे को लोगों का रिव्यू आ रहा था बहुत दाम है, बट अभी तक तो खाया नहीं, लेकिन मेन्यू देख के तो इतना भी दाम तो नहीं लग रहा है। एंड लास्ट टाइम कोई प्रोग्राम में हम लोग ये वाला खाया था, डिजर्ट में जो ब्लैक राइस खीर है, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी। वो भी हमें मिल रहा है, तो जो लोग खामती दिस ट्राई करना चाहते हैं वो फ्रा ओ खामती किचन एंड कैटरिंग, फर्स्ट फ्लोर हिमालयन कमर्शियल बिल्डिंग, जूली रोड गंगा। ये जस्ट हनुमान मंदिर के जो अपोजिट साइड है वहाँ से गली गुजरने से लेवल साइड पे फर्स्ट फ्लोर में आपको दिखाई मिल जाएगा। उनका होर्डिंग भी अच्छी तरीके से लगा हुआ है। तो ये है, अभी हमने मंगाया है डिज़र्ट पे ब्लैक राइस खीर, उसके बाद पोर्क बिंग यानी कि पोर्क रोस्टेड, फिर पोर्क बॉयल विद बेम्बू सूट एंड लोकल हर्ब्स, और दुबला राइस यानी कि स्टीम राइस मंगाया। स्टीम राइस का 50 रुपये, तो इसके साथ आया है जैक, ज़बरदस्ती खिलाने के लिए लगा रहे खाना। तो काम ख़त्म करके बस अब ये खा के ऑफिस जाएंगे। आ गया हमारा स्टीम राइस, टुपला स्टीम राइस। ये लोकल है क्या राइस? लोकल है ना ये राइस, ये पोर्क बॉयल विद बेम्बू सूट एंड लोकल हर्ब ये है। उसके बाद ये है रोस्टेड पोर्क, जो कि मुझे कम लग रहा है अभी, ये तो खाने शुरू कर ही दिया। हम खा के देखते हैं उसके अगर कैसा है क्या है, मैं रिव्यू दे दूँगी लास्ट में। हो गया है एंड देन अभी हम लोग खाएंगे ब्लैक राइस का खीर, लोकल खीर। ओवरऑल लास्ट में सीधा आप लोग को रिव्यू दूंगी। एक गया है सामान कुछ लेने के लिए, खाना खाकर वो जो लोकल डिश है खामती ट्राइब का वो खाकर आ गई। और एज अ मतलब फूड ब्लॉगर जैसा मैं फूड का अभी रिव्यू दूंगी, है ना। हम लोग ने मंगाया था पोर्क बॉयल विद बेम्बू सूट एंड लोकल हर्ब्स, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट जो पोर्क का जो मीट है जो वो बहुत नरम नरम हो गया था, मतलब नरम नरम लगा, टेस्टी था
और तोपला वाला राइस आई वुड सजेस्ट, अगर आप लोग आते हो ना इधर तो एक से स्टार्ट करें, 50 रुपया इतना का। और हमें बहुत भूख लग रहा था तो हमने सोचा था कि बहुत ज़्यादा खाएगा, लेकिन एक से ही सेटिस्फाई हो गया। ना जेक ने एक्स्ट्रा लिया ना हमने एक्स्ट्रा लिया, वो एक से ही हो गया। उसके बाद हम लोग ने पोर्क रोस्टेड मंगाया था, उसका अराउंड 300+ ऐसा कुछ था, 300 या 300+ था। तो उसके हिसाब से मुझे जो क्वांटिटी ऑफ डेट पोर्क रोस्ट जो कम लगा और बहुत पूरा फैटी को दिया, मतलब चर्बी को पूरा दिया वो लगा। और लास्टली जो डिज़र्ट में हम लोग ने मंगाया था ब्लैक राइस खीर, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले भी अच्छा लगा था जब एक इवेंट में खाने को मिला था फ्री का, अच्छा लगा था, आज भी अच्छा लगा। तो ओवरऑल आउट ऑफ 5 आई विल गिव 4.9। और मतलब एम्बियंस भी ठीक है, साफ है, सीसीटीवी लगा हुआ है, और खाना का जो टाइमिंग है ऑर्डर करने के बाद ज़्यादा देर भी नहीं लगता है, जल्दी ही ला दे रहे हैं, वो सब भी पूरा पूरी ठीक है। मैं लेकिन थोड़ा पार्किंग का इशू है, बट ओवरऑल ठीक है, नीट एंड क्लीन है और रास्ते के पास में ही है और खाना अच्छा है। या तो अगर कभी आप लोग को खामती ट्राइब का कुछ लोकल डिश आप लोग को टेस्ट करना हो या खाना चाहते हो तो प्लीज़ यहाँ पे विजिट करें। नामसाई के एक लेडी है वो चला रही है। तो आज मेरा बहुत जम्बल्ड वाला हो रहा है, सवेरे को नेफ्यू का शॉपिंग वॉपिंग कराया, बर्थडे का, अभी खाना रिपोर्टिंग का तो मैं डालने वाली नहीं हूँ क्योंकि वो रेगुलर स्टोरी जैसा ही है, काम पे तो जाना है। तो अभी यहाँ से मैं ऑफिस जाऊँगी एंड लेटर ऑन देखूँगी क्या होता है क्या नहीं, तो मैं ऐड करूँगी, ठीक है। तो अभी जब भी ऑफिस आता है मुझे आना पसंद हो गया है, क्योंकि अंदर वाला जो स्टूडियो रूम है वो मज़ा से बन चुका है, ये देखिए बहुत अच्छा से बन गया, तो इसलिए मज़ा लगता है आने के लिए। डिन 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 ऐसा हो गया है, आने के लिए अच्छा लगता है, बैठने के लिए अच्छा लगता है। थोड़ा देर रहूँगी क्योंकि जो वीडियो लिया था, मतलब लाइक जो रिकॉर्ड किया था इंटरव्यू, उसको डेस्कटॉप में डाल देंगे, उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठूंगी। उसके बाद टाटा ऑफ टू रूम। तो मैं आखिर आ चुकी हूँ रूम, बहुत थक गया, पता नहीं ऐसा हो जाए, अभी ऐसा चल रहा है ज़िंदगी में कि सुबह उठते काम पे निकलती हूँ और वापस आते आते तक शाम हो जाता है, तो मतलब दिन ऐसे ही निकल जा रहा है। नवंबर महीना कल ख़त्म हो जाएगा, 30 को दिसंबर शुरू हो जाएगा, ऐसे ही ज़िंदगी जा रहा है, ऐसे ही टाइम जा रहा है। आई डोंट नो मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब क्या प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन बट ऐसा भी नहीं चल रहा कि बहुत तकलीफ़ है, जैसा भी नहीं, खुश हूँ मैं, मेरी लाइफ जैसे भी चल रहा है खुश हूँ मैं, सेटिस्फाई हूँ। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं मेरे से भी बदतर लाइफ जी रहे होंगे, मैं उनसे तो थोड़ा बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि ऐसा कुछ इतना तकलीफ अभी नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, लाइफ में डिज़ायर चीज़ को आप कंट्रोल करोगे तो चीज़ ठीक है, मैं और इतना ये वो इतना उतना वो सब नहीं है मेरा, जितना चादर है उसी हिसाब से पाँव फैलाती हूँ, अगर है तो ठीक है, रुपया नहीं है तो क्या करूँ, चुपचाप से बैठती हूँ। तो या अभी तो ठीक ही चल रहा है। आज का दिन बहुत, मतलब इट वॉज लाइक नॉट प्लान्ड नथिंग, ऐसे जैम्बल वाला था। एनीवेज, जैसे आज मेरा नेफ्यू का बर्थडे है, अभी तो वो हॉस्टल पहुंच चुका होगा, तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ अपने तरफ से भी विश कर दीजिएगा, और साथ ही साथ भगवान आपके प्रार्थना में उन्हें उनको याद करना, दादा को उसका अच्छा हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, है ना, सक्सेस, सब चीज़ के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा। और आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, तो आई होप कि आप सबको अनप्लान्ड उल्टा पुल्टा वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड मेरा बस ये कहना होगा आप सबसे कि हमेशा खुश रहिए, खुशियाँ बांटे, ठीक है, और ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना है, हमेशा फाइट करना है अनटिल यू विन, ठीक है।